नहीं, हर एक इंसान किसी ना किसी का मोहताज है, सिर्फ एक जात है जो किसी की मोहताज नहीं। या युहन्नासु अंतुमुल फुकरा इलल्लाह, सारे लोग अल्लाह के मोहताज, अल्लाहुस समद, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, बाकी हर एक इंसान किसी ना किसी का मोहताज है। मैं इस माइक पे बोल सकता हूँ लेकिन इसको बना नहीं सकता हूँ, मैं इस सोफे पे बैठ सकता हूँ लेकिन इसको तैयार नहीं कर सकता, इसको तैयार करने के लिए कारपेंटर की जरूरत है, इसको तैयार करने के लिए इसके मास्टर की जरूरत है, मैं इसको बना नहीं सकता, इसीलिए मैं बेहतरीन इमारत में रह तो सकता हूं लेकिन बेहतरीन इमारत की चिनाई नहीं कर सकता हूं, मैं बेहतरीन कार में सफर तो कर सकता हूं लेकिन कार को मैं तैयार नहीं कर सकता, मैं फ्लाइट में उड़ तो सकता हूं लेकिन फ्लाइट में बना नहीं सकता। अब तो मतलब यह है हर एक इंसान किसी ना किसी का मोहताज, तुम मेरे मोहताज और आप मेरे मोहताज, मैं आपका मोहताज। इसी तरह हद तो यह है जन्नत में, देखिए अल्लाह पाक ने सबसे पहले किसको पैदा किया, हमारे और आपके बाप जनाबे सैयदुना आदम अलैहि सलाम को अल्लाह ने पैदा फरमाया। कहां है जन्नत? है भाई जन्नत में ना मकान की जरूरत, ना सोफे की जरूरत, ना इसकी जरूरत, ना खाने की जरूरत, ना पीने की जरूरत, वो तो दुनिया से उसका मामला अलग है, वहां तो हाथ पैर हिलाने नहीं पड़ती। फिर भी हजरत आदम अलैहि सलाम तलाश में थे, दिल नहीं लग रहा, कहां दिल नहीं लग रहा, जन्नत यार, जन्नत में कोई ऐसी चीज है दिल ना लगे, फिर भी तलाश में है, ए अल्लाह कोई हम नशी मिल जाए, कोई पार्टनर मिल जाए, कोई लाइफ पार्टनर मिल जाए जिसके साथ टाइम स्पेंड हो सके, ए अल्लाह कोई जलीस मिल जाए, कोई रफीक मिल जाए, कोई हबीब मिल जाए। फिर अल्लाह पाक ने उनकी ख्वाहिश और मंशा के मुताबिक उनकी बाई पसली से जनाबे सय्यदा हजरते हव्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को पैदा किया। तो मतलब यह है कि कोई भी इंसान अपने आप में मुकम्मल नहीं, कंप्लीट नहीं। अब सुनो कुरान क्या कहता है, कुरान कहता है वमिन आयातिही अन खलक लकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजन लितस्कुनू इलैहा। अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी यह है कि अल्लाह ने तुम ही में से तुम्हारे जोड़े बनाए। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने औरत को अपनी निशानी आयतुल्लाह कहा है, औरत को क्या कहा, आयतुल्लाह, औरत मेरी निशानी है। जिस तरीके से कुरान अल्लाह की निशानी, आसमान अल्लाह की निशानी, जमीन अल्लाह की निशानी, काबा अल्लाह की निशानी, सफा अल्लाह की निशानी, मरवा अल्लाह की निशानी, इन्हीं निशानियों में से औरत को अल्लाह ने फरमाया औरत आयतुल्लाह है, अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताइए आप, अल्लाह अकबर कबीरा, जिस घर की निस्बत अल्लाह की तरफ हो जाए, मस्जिद अल्लाह का घर है ना, तो मस्जिद और हमारे आम घरों में फर्क है। हम नापाकी की हालत में मस्जिद में जा नहीं सकते, हम दुनियावी गुफ्तगु मस्जिद में कर नहीं सकते, हालांकि जो ईंटें हमारे पर्सनल घर में लगी हैं वही ईंटें मस्जिद में लगी हैं, जो मसाला हमारे घरों में लगा है वही मसाला मस्जिद में लगा है, लेकिन मस्जिद का मकाम बहुत बुलंद, हमारा घर का मकाम वो मकाम नहीं है। क्या मतलब है, उसको निस्बत हो गई खास अल्लाह से, वो अल्लाह का घर हो गया, वो बैतुल्लाह हो गया। अब मुझे बताएं, जिसकी निस्बत अल्लाह से हो जाए उसकी अजमत बढ़ जाती है, उसकी कद्र बढ़ जाती है, उसका मकाम बढ़ जाता है। जब अल्लाह पाक ने औरत को कहा औरत अल्लाह की निशानी है, तो अल्लाह पाक ने औरत का कितना बड़ा मकाम कर दिया, औरत के मर्तबे को बढ़ा दिया। अब बहुत सारी खवातीन दुनिया में ये कहती हैं, वो एक नारा लगाती हैं, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, मर्जी अल्लाह अकबर कबीरा। वो कभी ट्रिपल तलाक को लेके, कभी हिजाब को लेके, अपने कभी पर्दे को लेके, वो ये कहती है कि इस्लाम ने हमें चार दीवारी में रखा, हमें कैदी बनाया। जरा आप अगर तवज्जो से सुनना है बोलिए जरा सुभान अल्लाह, आप मुझे रिस्पॉन्स देते रहें ताकि मैं ये समझूं कि आप मेरी बात समझ रहे हैं। मैं ज्यादा आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगा, बहुत जल्दी अपनी बात खत्म करूंगा और आपकी बारगाह में एक मैं अरीजा रखना चाहता हूँ, कुछ मारूजात पेश करना चाहता हूँ इंशाल्लाह। अगर आपके जिस्मों में गोश्त का लोतना है, पत्थर का टुकड़ा नहीं है, तो जरूर इंशाल्लाह आपके जमीरों में और आपके ईमान में इंकलाब पैदा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बहुत सारी खवातीन कहती है हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी। इस्लाम ने यह किया, इस्लाम ने पर्दा लागू किया, इस्लाम ने हिजाब लागू किया, इस्लाम ने हमें चार दीवारी में रखा है। अब कुरान की आयत को देखिए, जब तक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, पूरी दुनिया का सर्वे कर लीजिए, इंडिया नहीं, पाकिस्तान, बलोचिस्तान, पूरी दुनिया का सर्वे कीजिए, अरब अजब दुनिया का हर खित्ते में अगर आप बज़ाहिर आप अगर नजर अमीक से देखेंगे तो दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी औरत का कोई मकाम नहीं था, कोई इज्जत नहीं थी, कोई उसका मर्तबा नहीं था। औरत को सिर्फ क्या समझा जाता था, पैर की चप्पल, पैर की जूती, वक्त की जरूरत समझा जाता था। अब कुरान जैसे ही आया, कुरान कहता है औरत अल्लाह की निशानी है, औरत अल्लाह की निशानी है। अब मैं
मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। बहुत सारे नौजवान साहब बाहर बड़े खुश और खुर्रम रहते हैं, बाहर बड़े मगन रहते हैं, और जैसे ही घर में आती है कभी बीबी को घूरना शुरू किया, कभी इस बच्चे को मारना शुरू किया, कभी दूसरे बच्चे को मारना शुरू किया। भाई हमने कहा यार जब तक तुम घर के बाहर रहते हो तो बड़े खुश और खुर्रम रहते हो, दोस्त में तो बड़े ठिट्ठेबाजी करते हो, बड़े कहा लगती है। अल्लाह अकबर कबीरा, आज गुलशन करीम में खाना है, आज दरबार में खाना है, आज वहां खाना है, आज वहां मटन खाना है, आज वहां यह है, वहां यह है। 1000 रुपए का रेस्टोरेंट में उड़ा के आएगा, घर में आएगा, घर में अगर मोहतरमा कहे खाना खा लो कि भूख नहीं लगी, ये दिल नहीं जा रहा, जब 1000 का तू बाहर ठूस के आया है, क्या मसूर की दाल तेरा खाने दिल करेगा, क्या सब्जी खाने तेरा दिल करेगा? अरे बाहर तो बड़े बड़े मगन रहता है, लेकिन जैसे घर में आता है कभी तू बीबी को मारता है, अगर अल्लाह अकबर कबीरा थोड़ी सी मिर्च तेज हो जाए तो कि तुझसे तो खाना ही बनाना नहीं आता, तेरा तो खानदान ऐसा है, तेरा तो घर ऐसा है, तू तो ऐसे खानदान की है। कभी बच्चों को मारना शुरू किया, कभी नमक तेज हो गया, अगर थोड़ा सा तेल ज्यादा हो जाए तो तुझे क्या पता कि तेल पर कितनी महंगाई है, तू कोई कमा थोड़ी रही है, कमा तो मैं रहा हूं, मेरा पसीना निकल रहा है, तू तो ऐश कर रही है, तू तो उड़ा रही है, तरह तरह के बुरे बुरे अलकाब से मेरा नौजवान पुकारता है अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन कुरान की आयत क्या कहती है वो सुनिए, कुरान कहता है औरत अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ जब औरत अल्लाह की निशानी है तो क्या औरत की इंसल्ट की जाएगी, क्या औरत की बेइज्जती की जाएगी, क्या औरत को सबको सितम किया जाएगा, क्या औरत को गाली गलौज की जाएगी, क्या औरत को अल्लाह अकबर कबीरा मारा जाएगा, क्या औरत को पीटा जाएगा, क्या औरत को घूरा जाएगा? अल्लाह अल्लाह तुम किसकी इंसल्ट कर रहे हो, यह अल्लाह की निशानी है, अल्लाह की निशानी है, यह अल्लाह की निशानी है। तो फिर औरतों की इंसल्ट नहीं करती है, औरतों को गाली नहीं देना है, औरतों को अल्लाह अकबर कबीरा मारना पीटना नहीं है। औरत जब अल्लाह की निशानी है तो इसका मकाम कहाँ है? औरत न सर पर रखने की चीज है, न पैर में रोंदने की चीज है। अल्लाह अकबर कबीरा, इसलिए अल्लाह 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 रब्बुल इज्जत ने औरत को बाई पसनी से पैदा किया, और बाई पसनी कहाँ होती है? अल्लाह चाहता तो औरत को अल्लाह अकबर कबीरा सर से भी पैदा कर सकता था, अल्लाह चाहता तो पैर से भी पैदा कर सकता था, अल्लाह पाक ने पैर से नहीं पैदा किया। इसलिए अभी भी कुछ कमकले ऐसे हैं जो औरत को पैर की चप्पल वक्त की जरूरत समझते हैं। अगर औरत पैर से पैदा होती तो कोई भी कह देता तेरी तो पैदाइश ही पैरों में है, तेरी तो पैदाइश ही चप्पलों में है। इसलिए अल्लाह पाक ने अल्लाह अकबर कबीरा अल्लाह अल्लाह पैरों से पैदा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सर से भी पैदा नहीं किया। इसलिए के बाज इतनी खतरनाक है कि अल्लाह अकबर कबीरा के बाई पसली से पैदा लेकिन फिर भी सरों पे सवार है, फिर भी सरों पे सवार है। सारे बच्चे उसके कब्जे में है, रिश्ता हो तो माँ से, अगर कोई कारोबार हो तो माँ से डिस्कस होता है, अगर कोई मामला हो तो माँ से होता है। अगर कोई रिश्ते वाले आ जाए पूछे कि ये तो बताओ तुम्हारे शोहर कहाँ है, उनसे भी बात करनी है तो बड़ी मगन से कहती वो तो सीधे हैं, वो तो सीधे हैं, कुछ जानते ही नहीं, हमसे बात करो। अरे वो सीधे नहीं है, तूने उसको सीधा बनाया है, चूने उसको चपरासी बना दिया है। तो मतलब ये है औरत ना पैर में चंद्र, ना औरत पैरों में डालने की चीज है, न सर पे बिठाने की चीज है। अल्लाह पाक ने औरत को बाई पसली से पैदा किया है, और बाई पसली देखोगे तो ये दिल के करीब होती है। तो मतलब ये है औरत ना पैरों में डाली जाएगी, न सर पे चढ़ाई जाएगी, औरत का मकाम दिल है, औरत को दिल से प्यार करो, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती के हवाला बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अरे समझ में तो आ रहा, बोलिए जरा सुभान अल्लाह, नौजवानों के तो मतलब की बात हो रही, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। कुरान कहता है औरत अल्लाह की निशानी है, जब ये अल्लाह की निशानी है तो इसे भी अपनी निशानी को समझना होगा। ये नहीं कि थोड़ी थोड़ी सी बात पे आसमान उठाए फिर रही है। और सबसे बड़ी जो जड़ है ना झगड़े की, वो बताऊं मैं अपने तजर्बे के मुताबिक, बीवी के घर वालों को थोड़ा सा कुछ कह दो, साले को कह दो थोड़ा सा, फिर देखो कैसे खोलेगी तुम्हारी, तेरी खाला ऐसी, तुम्हारी फूफी ऐसी, तुम्हारी दादी ऐसी, तुम्हारी नानी ऐसी। वो बस ऐसी बात है भाई, जब हमारी बहनें हमें नहीं कहलवा सकती, अरे भाई हमारी बहनें जब हमें नहीं कहलवा सकती तो हमारे घर में वो भी तो किसी की बहन है ना। सबसे बड़ी लड़ाई की जड़ यही है, मैंने बहुत तजर्बा किया है। कितनी लड़ाई हो, अगर साले साहब लंगड़े भी हो तब भी ये मत करो लंगड़ा के चलना है, कहो कि स्टाइल में चलना है, सब कुछ ठीक रहेगा। इसीलिए अगर घरों में सुकून चाहते हो तो एक दूसरे को समझना होगा, एक दूसरे की इज्जत नफ्स का ख्याल रखना होगा, एक दूसरे को इंपोर्टेंट देना होगा, तभी घर जन्नती गहवारा बनेगा, वरना लड़ाई फसाद का अड्डा बन जाता है। कुरान कहता है
हमने औरत को, कुरान कहता है, अल्लाह पाक फरमाता है औरत अल्लाह की निशानी है। अब मुझे बताओ, बहुत सारी औरतें ये कहती हैं हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम पे पर्दा लागू किया, हम पे ये लागू किया, हम पे ये लागू किया। मैं उनको अलग ऐलान कहता हूँ, मैं उनको चैलेंज करता हूँ, पूरी दुनिया की हिस्ट्री पढ़ी अल्लाह अकबर कबीरा, जब तक मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए। अरब के बारे में आपने सुना होगा, अरब के अंदर अगर किसी के यहाँ पर बच्ची पैदा हो जाती है ना, बेटी पैदा हो जाती है अल्लाह अकबर कबीरा, लोग ये समझते कि हम मनहूस हैं, लोग उसको मनहूस समझते थे, औरत को बेटी को लोग बेबरकती समझते थे। अल्लाह अल्लाह, कुरान के बारे में, कुरान जिसके बारे में कहता है अय्य ज़म्बिन कुतिलत, अल्लाह अकबर कबीरा, जिसके जिसके घर में बेटी पैदा हो जाए वो अपनी बेटी को अपने हाथ से कब्र खोद के फिर जिंदा बेटी को कब्र में रखता था। अब मुझे बताएं भाई, जानवर अपने बच्चों से प्यार करते हैं, लेकिन ये लोग कितने सख्त हो चुके थे, इनके दिल कितने पत्थर हो चुके थे, अपनी बेटियों को अपने हाथों से दबाते थे। ये अरब का मामला है अल्लाह अल्लाह। अगर किसी का शोहर मर जाता था ना, जो बेवा हो जाती थी, जो बेवा हो जाती थी उसके साथ ये सुलूक किया जाता था, उसका मकान अलग, उसके बर्तन अलग, उसका खाना पीना अलग, कोई उसके साथ नहीं खाता था, कोई उसके बर्तन में नहीं खाता था, कोई उसके साथ रहता नहीं था। और हद तो ये थी, उसका एक जुलूस निकाला जाता था अल्लाह अकबर कबीरा, उसके गले में तरह तरह के हार डाले जाते थे, जब उसका जुलूस निकलता था उस पर बकरियों की मैंगनियां फेंकी जाती थी अल्लाह अल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा, जिसका शोहर मर जाए उसके साथ ये अरब वाले ये सुलूक करते थे अल्लाह अकबर कबीरा। हिंदुस्तान में आओ तो हिंदुस्तान की हिस्ट्री ये बताती है, राजा ताहिर ने अपनी सगी बहन से शादी की थी, इस हिंदुस्तान में ये होता था, अगर किसी का जवान अगर शोहर मर जाए तो उसकी बीवी को उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था अल्लाह अल्लाह। जब औरतों पर इतना जुल्म होने लगा, जब बच्चियों को जिंदा दबाया जाने लगा, जब बच्चियों पर जुल्म की इंतहा हो गई, तब छोटी छोटी बच्चियों ने अपने दामन को रब की बारगाह में फैलाया और अर्ज की अल्लाह इसमें हमारी कौन सी खता है, इसमें हमारी कौन सी गलती है, हमें लोग ये कब तक दबाते रहेंगे, ये लोग हम पे कब तक जुल्म करते रहेंगे, कब तक हमें दबाया जाता रहेगा, कब तक हमें मारा जाता रहेगा, ये अल्लाह इन जालिमों के जुल्म से कब हमें नजात मिलेगी, कब हमें सुकून मिलेगा। जब बच्चियां रोई गिड़गिड़ाई रब की बारगाह में इल्तिजाएं करने लगी, आहो पुकार करने लगी, गिरियाबाजारी करने लगी, ये अल्लाह हमें कौन इंसाफ दिलाएगा, पूरी दुनिया में जुल्म और तशद्दुद के पहाड़ ढाए जा रहे हैं, कोई बेटी की तरफ से पल बोलने वाला नहीं है, कोई बेटी की बचाव में बोलने वाला नहीं है, कोई बेटी को इज्जत देने वाला नहीं है, कोई बेटी का मकाम अपनी नजरों में लाने वाला नहीं है, सारे लोग बेटियों की नजरें हकारत से देखते हैं, सारे लोग बेटियों को पैर की चप्पल समझते हैं, सारे लोग ये तसव्वुर करते हैं हमारे घर में बेटी होगी तो हमारा कोई दामाद बनेगा, ये नंगवार की बात है। ए अल्लाह, हमें कौन इंसाफ दिलाएगा, कौन सी पावर इंसाफ दिलाएगी, कौन सी हुकूमत इंसाफ दिलाएगी, कौन सी सत्ता हुकूमत इंसाफ दिलाएगी। तब बच्चियों ने रो रो कर गिड़गिड़ा कर जब दुआएं की थी तो गैब से आवाज आई थी, ए बच्चियों अब तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, तुम्हें गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं है, अब मैं मक्का की सरजमी पर अब्दुल्ला के घर में हजरत आमिना के शिकम से मेरा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह आ रहा है, वो मेरा नबी मक्का में आएगा, लेकिन सारी दुनिया की औरतों को पस्ती से उठाकर आसमान की बुलंदी पे रख दे। बेशक सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने आला हजरत, मसलके आला हजरत सैयद अफरोज मियां साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह वाह। अब मुझे बताइए, किसने दिया ये मकाम औरतों को, किसने इज्जत दी ये बेटियों को? आज दुनिया कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ये नारा कोई आज का नहीं है, बल्कि 1400 साल पहले मक्का की सरजमी पर हमारे नबी ने एक नारा दिया था, अरे बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, जब ये नारा लगा था आमिना के लाल ने फरमाया था अल्लाह अकबर कबीरा। ये लोगों, तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी नहुसत है, तुम ये समझते हो तुम्हारे घर में बेटी आ गई तो बेटी बेबरकती है? सुनो मैं मोहम्मद, अगर बेटी नहुसत होती बेबरकती होती तो मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मैं मोहम्मद बेटियों का बाप नहीं होता, मेरे घर में एक बेटी नहीं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं, अल्लाह ने कई कई बेटियां अता की हैं। और फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलामों सुनो सुनो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से जिंदा दबाते हो, तुम बच्चियों को अपने हाथों से अल्लाह अकबर कबीरा कब्र खोद के दबाते हो, अब बच्चियों पर जुल्म नहीं किया जाएगा। मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया था, जिसके घर में बेटी हो अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हो,
होता है। जो जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाएगा वो मेरे साथ इस तरीके से जन्नत में जाएगा, यानी जिस दर्जे में मैं जन्नत में जाऊंगा उसी पैराडाइज में मेरे साथ वो मेरा गुलाम जन्नत में जाएगा। जो बेटी पैदा होने की खुशी मनाए, फिर मदीने वाले मुस्तफा ने इरशाद फरमाया जिसके घर में बेटी हो उसने उसका निकाह कर दिया उसकी जन्नती होने की जमानत मैं लेता हूँ। बोलिए जरा सुभान अल्लाह। ये लोगों तुम्हें बेटों पर बड़ा फख्र होता है, मेरा बेटा वकील है, मेरा बेटा जज है, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा वो है। पहले जमाने में भी लोग अरब के अंदर बड़ा फख्र करते थे, मेरे पास 5 हैं, मेरे पास 10 बेटे हैं, मेरे पास 15 बेटे हैं, एक बेटा उस ओहदे पर फाइज है, दूसरा बेटा उस ओहदे पर फाइज है, बड़ा फख्र करते थे। लेकिन उसी दौर में मदीने वाले मुस्तफा ने एक इंकलाब पैदा किया था, इंकलाबी नारा लगाया था, वो नारा ये था अब अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हें बेटों पर फख्र होता है लेकिन जो सारी कायनात का मालिक है, जो सारी कायनात का मालिक है, जो दुनिया का भी मालिक है जन्नत का भी मालिक है, वो मोहम्मद बेटों पे फख्र नहीं करता, वो तो बेटियों पर फख्र करता है। उसे प्राउड है तो बेटियों पर प्राउड है। अल्लाह अल्लाह। अब जिन सहाबा ने अपने हाथों से बच्चियों को दबाया था अब वो रोने लगे, उनके जो दिल पत्थर हो चुके थे वो बिल्कुल नरम हो गए, नरमो नाजुक रेशम की तरह हो गए, रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल की बारगाह में अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह हमने तो बड़ा जुल्म किया है, हमने तो अपनी जिंदगियां तबाह कर ली है, हमने तो अपने आप को बर्बाद कर लिया है, हम तो ये समझते थे जब तक आप नहीं आए थे हमने बेटी को अपने हाथ से दबाया है तो हमने तो बहुत अच्छा काम किया है, हमने तो बहुत सरबुलंदी का काम किया है, लेकिन या रसूलल्लाह हम तो हलाक हो गए, अब हमें जन्नत कैसे मिलेगी, हमने इन हाथों से कई कई बेटियों को दफन किया है। अल्लाह अल्लाह। रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं और सब दिल में तमन्ना करते हैं। जैसे ही मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था बेटी बचाओ जन्नत में जाओ, बेटी बचाओ जन्नत का टिकट पाओ, बेटी बचाओ जन्नत की जमानत ले लो, जब ये नारा दिया था तो हर सहाबी के दिल में एक तमन्ना थी, काश कोई अल्लाह अल्लाह कोई बेटी मेरे घर में भी पैदा कर दे, कोई बेटी मेरे भी घर में आ जाए। मैं कहने लगा यार वो दरिंदा दिल लोग, वो सख्त दिल लोग जब तक मदीने वाले मुस्तफा ना आए थे बेटियों को अपने हाथों से दबाते थे, लेकिन मदीने वाला मुस्तफा आ गया तब तमन्ना कर रहे, कोई काश बेटी हमारे घर में भी होती कि मैं भी बेटी का मां होता, मैं भी बेटी का बाप होता। इसलिए इस सारी दुनिया में एक इंकलाब पैदा करने वाला और बेटियों को इज्जत देने वाला वो कोई और नहीं है, वो आपको और हमारा नबी है। बेशक बेशक सुभान अल्लाह। अरे भाई बोल दो जरा सुभान अल्लाह। मैं बड़ी मेहनत से बोल रहा हूँ, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। समझ में तो आ रहा है ना आपकी? जी जी। किसने नारा दिया था? ये तो आज का नया नारा है कि बेटी पढ़ाओ बेटी 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 बचाओ। मदीने वाले मुस्तफा ने नारा दिया था बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। बोलो जरा सुभान अल्लाह। बेटी बचाओ डायरेक्ट जन्नत में जाओ। मुझे बताइए, आका ने इरशाद फरमाया लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बहुत पसंद है, मुझे खुशबू बहुत पसंद है और मुझे औरतें बहुत पसंद है, और चाहे माँ की शक्ल में हो तो मुझे माँ भी बहुत पसंद है। बोलो 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 भाई सुभान अल्लाह। बोलिए, औरत अगर बहन की शक्ल में हो तो मुझे बहन भी बहुत पसंद है, औरत अगर बेटी की शक्ल में हो तो मुझे बेटी भी बहुत पसंद है, औरत अगर बीवी की शक्ल में हो तो मुझे बीवियां भी बहुत पसंद है। किसने दिया ये नारा औरतों को ये मकाम देने वाला? और आगे बढ़िए, आका ने इरशाद फरमाया अगर औरत बेटी की शक्ल में है तो बाप के लिए रहमत, बहन की शक्ल में है तो भाइयों के लिए रहमत, अगर बीवी की शक्ल में है तो शोहर के लिए रहमत, और माँ बन जाए तो आका ने इरशाद फरमाया अल जन्नतु तहत अक्दामिल उम्महात। सुनो सुनो, अल्लाह और उसके रसूल ने जन्नत को समेट के माँ के कदमों में रख दिया है। तो इतना बड़ा मकाम और मर्तबा देने वाला औरतों को ये बस्ती से निकालकर आसमान की बुलंदियों पर पहुंचाने वाला, जो अपने आप को कहे मैं एजुकेटेड हूँ, मैं तरक्की याफ्ता हूँ, मैंने ये इल्म हासिल कर लिया, मुझे फुलापन में बड़ी महारत हासिल है, फिर वो इस्लाम से आंखें लड़ाए, वो इस्लाम से अल्लाह अकबर कबीरा मुकाबला करे। अरे कभी अपने पिछले दौर को तो देख, जब तक
तक कुरान नहीं आया था, जब तक हदीस नहीं आई थी, जब तक मदीने वाले मुस्तफा नहीं आए थे, दुनिया में तुझे कोई इज्जत नहीं देता था। मदीने वाले मुस्तफा आए, दुनिया में तुझे इज्जत मिलने लगी, तुझे दुनिया में मकाम मिलने लगा। तो ये किसका सदका है? ये आपके और हमारे नबी का सदका है। बोलिए जरा सुभान अल्लाह, हमारे और आपके नबी का सदका है। अब अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुन कहुल मरअतुल अरबा, चार वजहों से औरतों से निकाह किया जाता है। शादी कितनी वजहों से की जाती है? इधर देखिए भाई, शादी कितनी वजहों से की जाती है? चार। वो कोई नई चीज नहीं है, कुर्सी है जिसपे आप बैठे हैं, वो कुर्सी है, विधायक की कुर्सी नहीं है, वो आम कुर्सी है जैसे आप और हम बैठे हैं। अब उसे मत देखिए, आप मुझे देखिए, मेरी बात सुन लीजिए। हाँ, अल्लाह अकबर। चार वजहों से निकाह किया जाता है। मालदारी की बुनियाद पर, लोग मालदारी की बुनियाद पर निकाह करती है। भाई मोटे घर से शादी करेंगे तो माल मसाला मिलेगा, हमारी भी बिगड़ी बन जाएगी। वैसे तो बिल्कुल निकम्मे हैं, कुछ करना कराना थोड़ी, ठलुए हैं, कुछ मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। हाँ, पेट बहुत बड़ा, पेट तो कभी भरा ही नहीं। खुलिकल इंसान हलुआ, कुरान कहता है इंसान ने हमको, इंसान को हमने लालची पैदा किया। ये खोपड़ी कभी नहीं भरती है और ना भरेगी, इसीलिए इसको भरने के चक्कर में मत रहो, ये भरने वाली नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, माल की वजह से। और कभी इंसान शादी करता है खूबसूरती की वजह से, हुस्न जमाल, हुस्न तजम्मुल, ब्यूटी की वजह से इंसान शादी करता है। और कभी कभी इंसान शादी करता है बैकग्राउंड की वजह से। बैकग्राउंड क्या भाई? फुला खानदान में वोट ज्यादा है, उसके 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 यहाँ की बेटी कर लेंगे तो प्रधानी में खड़े होंगे तो वहां से वोट मिल जाएंगे, हमें प्रधानी मिल जाएगी। लोग इस नियत से भी करते हैं निकाह, हैं? हम सभासद में खड़े होंगे, वहां से वोट मिल जाएंगे तो हमें, हम सभासद बन जाएंगे, चेयरमैन बन जाएंगे। लोगों की नियत है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो बहुत सारे लोग बैकग्राउंड देख के भी निकाह करते हैं। आका ने इरशाद फरमाया, चौथी चीज ये है, दीनदारी देख कर निकाह करो। आका ने इरशाद फरमाया, यहूद और नसारा हैं जो जमाल देख के, मालदारी देख के और बैकग्राउंड देख के शादी करते हैं, सच्चा पक्का मुसलमान तो वो दीनदारी देख के निकाह करता है। अरे बोलिए जरा सुभान अल्लाह, दीनदारी देख के निकाह करता है। अब आओ मदीने वाले मुस्तफा को देखिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मालदार कोई है? नहीं। कोई है? कोई है? एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पेट से पत्थर बांध के आए, हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा की आंखों में आंसू, अर्ज करने लगी, या रसूलल्लाह, अल्लाह से इतनी तो दुआ कीजिए हमें फाकों की नौबत तो ना आए, कम से कम अल्लाह इतना तो हमें दे दे कि हमें पेट से पत्थर बांधने की नौबत ना आए। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, आयशा तुम क्या ये समझती हो कि मुझ पर गरीबी जबरदस्ती तसल्लुत की गई है, मुझे जबरदस्ती गरीब बनाया गया है? अर्ज करती हूँ या रसूल, फिर क्या मतलब? आका ने इरशाद फरमाया, आयशा ये दो पहाड़ देख रही हो? या रसूल देख रही हूँ, अगर मैं हुक्म कर दूं तो मेरे साथ सोने चांदी के बन के चले। अरे बोलो बोलो बोलो, सोने चांदी के बन के चले। और ये साहब बात ही नहीं है, अगर मदीने वाले मुस्तफा हुक्म कर देते तो नहीं बनते क्या? कर देते तो? अरे जब कंकरियों से कलमा पढ़वा लें, जानवर बोलने लगे, पेड़ उखड़कर मुस्तफा की बारगाह में आ जाए, अगर अल्लाह के रसूल इशारा कर दें तो सोने चांदी के नहीं बनते क्या? नहीं बनते क्या? या रसूल अल्लाह, फिर आप चाहते क्यों नहीं? आकर इरशाद फरमाया, सुनो, पत्थर इसलिए बांधता हूँ पेट से, जब मेरी उम्मत में कुछ अमीर होंगे, उनकी फैसिलिटी बड़ी आला होगी, उनके खाने बड़े अच्छे होंगे, उनके लिबास बड़े उम्दा होंगे, वो ब्रांड पहन के बड़े एटीट्यूड फैशन में रहेंगे, अपने बालों में झटके मारेंगे, उन्हीं गलियों में, उन्हीं के पड़ोस में कुछ गरीब भी पलेंगे जो रोजाना कमाएंगे, खाएंगे, रक्षा चलाएंगे, तो उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि वो मेरी जिंदगी को देख ले और ये तसव्वुर कर ले, जब सारी कायनात का मालिक अपने पेट से पत्थर बांध सकता है तो उनका गरीब उम्मती गरीबी में जिंदगी क्यों नहीं गुजार सकता है? ए आयशा, मैं जो पेट से पत्थर बांधता हूँ ये जबरदस्ती गुर्बत की वजह से नहीं, बल्कि अपने गरीब उम्मतियों के लिए रास्ते को हमवार करने के लिए बांधता हूँ, अपने उम्मतियों को सबक सिखाने के लिए बांधता हूँ। तभी तो बरेली का इमाम कहता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, तुरबे बहा दिए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चला मदीने वाले मुस्तफा मालदारी में सबसे आगे। अब आ जाओ खूबसूरती, तो खूबसूरती का तो भाई ये मामला है, खूबसूरती के मामले में तो ये है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है,
अरे बोलो ना, मुस्तफा के हुस्न की बात चल रही है, बोलिए जरा सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो ऐसा देखा ही नहीं है। और हजरत हसन तो ये कहने लगे या रसूल अल्लाह, हजरत हसन तो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरी आंखों ने तो देखा ही नहीं है और देखती भी कहां से, जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है, जब किसी की मां ने ऐसा लाल जना ही नहीं है, जब किसी की मां ने ऐसे बच्चे की विलादत ही नहीं की है, तो आएगा कहां से। अब आप कह सकते हो ये सहाबा ने इश्क में बोला हो, मोहब्बत में बोला हो, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं तो कह सकते हो सैयद साहब सबसे ज्यादा खूबसूरत, सैयद साहब सबसे अच्छा बोलते हैं। लेकिन जो कोई नक्श करने वाला हो या कोई दूसरे किसी का चाहने वाला हो तो वो दूसरे की तारीफ करेगा। भाई जब किसी से कोई मोहब्बत करता है तो उसकी गली के कुत्तों से भी प्यार होता है। लेकिन याद रखो, आप कह सकते हो सहाबा ने मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में बोला है, मोहब्बत में बोला है। और सहाबा ने सिर्फ अपने ही तो जमाना देखा है, अपने से पहले वालों का जमाना थोड़ी देखा है, या मदीने वाले मुस्तफा और अपने जमाने के बाद में ये जमाना थोड़ी देखा। फिर उन्होंने कैसे कह दिया कि सबसे अच्छे सबसे अच्छे सबसे अच्छे। तो अब आओ उससे पूछ ले जिसने सारी दुनिया को देखा है, जिसने हर नबी की नबुवत को देखा है, जिसने हर रसूल की रिसालत को देखा है, जिसने हर सिद्दीक की सदाकत को देखा है, जिसने हर फारूक की अदालत को देखा है, जिसने हर उस्मान की सखावत को देखा है, जिसने हर अली की शुजात को देखा है, जिसने हर शहीद की शहादत को देखा है, वो कौन है? वो सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन की जात है, अल्लाह अल्लाह जो फरिश्तों के सरदार है। हम उनसे पूछते हैं ए जिब्रील अमीन, तुम तो बताओ तुम्हारी नजर क्या कहती है? हजरत सैयदुना सिद्दीक अकबर तो ये कहते हैं, बिलाल हबशी तो ये कहते हैं, हजरत हसन तो मुस्तफा की बारगाह में नाक पढ़ते हैं तो ये कहते हैं। आप तो बताओ आपका कहना क्या है? आपने तो हजरत आदम अली सलाम से लेकर हजरत ईसा अली सलाम तक हर नबी को देखा, हर रसूल को देखा, हर उम्मती को देखा, हर दौर को देखा, मशरिक मगरिब अल्लाह अल्लाह दुनिया के खित्ते खित्ते को देखा। जब हमने अपना क्वेश्चन बारगाह जिब्रील अमीन में रखा तो जिब्रील अमीन की जबान से जो अल्फाज निकले वो हदीस की शक्ल में आपकी बारगाह में पेश है, जरा दिल के कानों से सुनना। जिब्रील अमीन कहते हैं कल्लबतुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा लम अजिद मिसला मोहम्मद, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा और देखा ही नहीं। भाई देखने के लिए नजर तो आता है हदीस पाक में, देखने के लिए रायतु आता है। ये उलामा बैठे हैं, रायतु का जिक्र नहीं है, नजरतु का जिक्र नहीं है, जिक्र किसका है? कल्लबतु का। और कल्लबा का माना आता है टटोल टटोल कर देखना, फंदोल फंदोल कर देखना, तह तह देखना, नजर बीनी से देखना, बारीक बीनी से देखना। तो हजरत जिब्रील अमीन बताना ये चाहते हैं, ये मत समझना सिर्फ मैंने देखा है, बल्कि मैंने गौर गौर से देखा है, मैंने टिक टिकी बांध बांध के देखा है, मैंने उलट उलट पलट पलट कर देखा है, मैंने सातों आसमानों को देखा है, मैंने सातों जमीनों को देखा है, मैंने मशरिक को देखा, मैंने मगरिब को देखा, हजरत आदम को देखा, हजरत नूह को देखा, हजरत मूसा के जलाल को देखा, हजरत ईसा के कमाल को भी देखा, हजरत इब्राहिम की खुल्लत को भी देखा, हजरत इस्माइल की ज़बीहत को भी देखा, मैंने हर नबी के मकामे मर्तबे को देखा, हर रसूल की रिसालत को भी देखा, हर शहीद की शहादत को भी देखा, हर सिद्दीक की सदाकत को भी देखा। और देखा ही नहीं है, बड़ी बारीक बीनी से देखा है। हजरत आदम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत नूह को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत इब्राहिम को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हजरत इस्माइल को देखा कहीं मोहम्मद की तरह मिल जाए, हर नबी की नबुवत को खंगोल खंगोल कर छांट छांट कर देखा, हर रसूल की रिसालत को देखा, आसमान की मैंने बुलंदी को देखा, जमीन की पस्ती को देखा, मशरिक मगरिब अल्लाह अल्लाह दुनिया के हर खित्ते को, हिंद पाक बलोचिस्तान अरबो अजम काले गोरे बूढ़े बूढ़े जवान बच्चे सबको देखा, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो मोहम्मद की तरह मिल जाए, कहीं तो आमिना के लाल की तरह मिल जाए, कहीं तो अब्दुल्ला के लगते जिगर की तरह मिल जाए, कभी तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब के अल्लाह अल्लाह नूरे नजर की तरह मिल जाए, कहीं तो अल्लाह के हबीब की तरह मिल जाए। तो जिब्रील अमीन कहते हैं लम अजीद मिसला मोहम्मद, दुनिया के खित्ते खित्ते को बड़ी बारीक बीनी से देखा, लेकिन कसम खुदा की आदम अलैहि सलाम से लेकर आज तक मैंने कहीं भी मोहम्मद रसूलुल्लाह जैसे नहीं देखा, आमिना के लाल जैसे नहीं देखा। फिर मैं बरेली शरीफ चला गया, जब मैं
मैं बरेली शरीफ गया, मैं सौदा करान में दाखिल हुआ, मैं मंजरे इस्लाम में गया, वहां से गुम्बदे आला हजरत का दीदार किया, फिर मैं दरगाह में गया, तुरबते आला हजरत के सामने खड़ा हो गया, सलाम अर्ज की, फिर करते फिर कहता हूँ ए इश्क के इमाम, ए बरेली के इमाम, हमने हदीसे पाक तो सुन ली है लेकिन हमने सुना है तुम अल्लाह अल्लाह जब नबी के बारे में नात पढ़ते हो तो तुम कमाल की नात पढ़ते हो, तुम कमाल के शायर हो, तुम्हारी शायरी में हर तुम्हारी शायरी में सिद्दीक की सदाकत नजर आती है, फारूक आजम की अदालत नजर आती है, उस्मान गनी की सखावत नजर आती है, मौला अली की शुजात नजर आती है, हजरत हसन की सिफत नजर आती है, हजरत बिलाल का इश्क नजर आता है, हजरत इमाम हुसैन की शहादत नजर आती है, इमाम आजम का कमाल नजर आता है, मुजद्दिद अल्बेसानी का जलाल नजर आता है, अल्लाह अल्लाह निजामुद्दीन औलिया देहलवी का आम में जमाल नजर आता है, ख्वाजा गरीब नवाज की करामत नजर आती है, साबिर पाक का सब्र और इस्तकलाल नजर आता है, जो जिब्रील अमीन ने हदीस कही है इसकी अब तुम नाते पाक में तर्जुमानी भी तो करो, तुम क्या कहते हो, तो तुर्बते आला हजरत से आवाज आती है, हमने तो सैकड़ों साल पहले कहा है, मैंने कहा क्या कहा है, तो तुर्बते आला हजरत से आवाज आई, यही बोले सिदरा वाले, सबने जहा के डाले, सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। खूबसूरती का ये आलम है, मेरे मुस्तफा की तरह कोई नहीं, हर नबी शान वाला, हर रसूल शान वाला, हर नबी की इज्जत अपनी जगह, हर रसूल का मकाम अपनी जगह, लेकिन अल्लाह ने इस हबीब को स्पेशल बनाकर भेजा है, बड़ी खसूसियतों के साथ भेजा है, तो फिर मदीने वाले मुस्तफा खूबसूरती में भी सबसे आला है। अब रही तीसरी चीज बैकग्राउंड, तो मदीने वाले मुस्तफा का जब बैकग्राउंड देखो ना, मदीने वाले मुस्तफा बनू हाशिम से ताल्लुक रखते हैं, आपकी बारगाह में अगर आपके महल्ले में कोई सैयद ज्यादा आ जाए, चाहे दाढ़ी हो या ना हो, नमाज पढ़ता हो या नहीं पढ़ता हो, आप सिर्फ ये देखते हैं इसकी रगों में खून रसूल दौड़ रहा है, आप उसकी ताजीम करते हैं, तो जिसकी ताजीम करते हैं उनका ताल्लुक बनू हाशिम से है, और मेरे मुस्तफा उस बैकग्राउंड उस खानदान की जड़ है, तो ये बताओ मेरे मुस्तफा का खानदान भी सबसे आला है, मुस्तफा का बैकग्राउंड भी सबसे आला है, फिर ये बताइए जो जमाल में सबसे आला हो, जो माल में सबसे आला हो, जो खानदान में सबसे आला हो, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे, दुनिया की हर हसीन लड़की चाहती थी मेरा निकाह आमिना के लाल से हो जाए, दुनिया की हर कवारी लड़की चाहती थी मेरा निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए, दुनिया की हर मालदार लड़की ये चाहती थी मेरा निकाह आमिना के लाल मोहम्मद रसूलुल्लाह से हो जाए, लेकिन तारीख पलटते हैं, 1400 कुछ साल पहले चलते हैं, आओ मुस्तफा की जिंदगी को देखो, फिर मदीने वाले मुस्तफा जो 25 साल की उम्र में है, खूबसूरती ऐसी दुनिया में आज तक कोई आया नहीं, आप पे केसु मुबारक ऐसे किसी के आज तक हुए नहीं, आपका एक एक उज्व, आपका एक एक हिस्सा अल्लाह ने स्पेशल बनाया है, आप मालदारी में सबसे आगे, आप जमाल में सबसे आगे, आप खानदान में सबसे आगे, कितने रिश्ते आते होंगे, कितने रिश्ते आते होंगे, अब आओ मदीने वाले मुस्तफा से पूछते हैं, आपने कितनी अमीरी लड़की से रिश्ता किया, आपने कितनी हसीन लड़की से शादी की, आपने कौन सी कुंवारी लड़की से शादी की, तो मदीने वाले मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एज 25 ईयर्स है, 25 साल की है, आपकी इस उम्र शरीफ में एक रिश्ता आता है, किसका रिश्ता आता है, जनाबे सय्यदा खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा का रिश्ता आता है, जो कवारी लड़की नहीं है, जो कवारी नहीं है, बल्कि उनके पहले शोहर मर चुके हैं, वो बेवा है, उनके शोहर पहले मर चुके हैं, उनका रिश्ता आता है, और कितनी उम्र है उनकी, उनकी 40 साल की उम्र है, आप अपने सीनों पे हाथ रख के बताओ अल्लाह अल्लाह, मदीने वाले मुस्तफा की उम्र शरीफ कितनी है, 25 साल की है, जो आपके लिए निकाह का पैगाम आया है उनकी उम्र शरीफ कितनी है, 40 साल की है, और वो कवारी लड़की नहीं है, वो बेवा है, बेवा, तो मदीने वाले मुस्तफा ने किसी बादशाह की लड़की से निकाह नहीं किया, मदीने वाले मुस्तफा ने किसी हाकिम की बेटी से निकाह नहीं किया, मदीने वाले मुस्तफा ने किसी कवारी लड़की से निकाह नहीं किया, बल्कि मदीने वाले मुस्तफा ने अब से अपना सबसे पहला निकाह, सबसे पहली शादी 25 साल की मुकम्मल जवानी में जो किया, एक 40 साल खातून हजरत सय्यदा खदीजतुल कुबरा से किया, और दुनिया वालों को बता दिया अब बेवाओं पर जुल्म नहीं किया जाएगा, अब बेवाओं को
सताया नहीं जाएगा, इन बेवाओं को सीने से लगाने वाला आमिना का लाल मोहम्मद रसूल आ गया। आए हाय नारे आज तुम मेरे मुस्तफा के खिलाफ उंगलियां उठाते हो। हजरत आयशा से शादी की इतनी उम्र थी, उन सालिमों से कहूंगा अगर किसी को डाउट है मैं इन चैनल के सामने कह रहा हूँ, आओ मुझसे बात करो, मैं मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी तुम्हें पढ़ के बताऊंगा। जब तक मदीने वाले मुस्तफा की जिंदगी में सय्यदा खदीजतुल कुबरा रही, आपने दूसरा निकाह नहीं किया। कितनी बड़ी थी उम्र में? आपसे 15 साल बड़ी थी। ये बताओ अगर मेरे मुस्तफा किस लड़की को चाहते तो कौन लड़की नहीं चाहती थी? हर लड़की चाहती थी, लेकिन मदीने वाले मुस्तफा ने सारी दुनिया में इंकलाब पैदा किया था, एक नारा लगाया था। आज दुनिया कहती है औरतों के साथ खड़े हो, औरतों की प्रोटेक्शन दो, औरतों को बचाओ, औरतों की इज्जत करो। अरे ये नारे नए हैं, सबसे पहले ये नारा अगर किसी ने दिया था ये मदीने वाले मुस्तफा ने दिया था। ए लोगो, अब बेवाओं का जुलूस नहीं निकाला जाएगा, बेवाओं पर बकरियों की मैंगनियां नहीं फेंकी जाएंगी। इसलिए जो सारी कायनात में सबसे अच्छा है वो मोहम्मद एक बेवा से शादी कर रहा है, इसलिए ताकि सारी दुनिया समझ ले अब आमिना का लाल आ गया, किसी पर जुल्म नहीं किया जाएगा, किसी औरत को सताया नहीं जाएगा, किसी बच्ची पर जुल्म नहीं किया जाएगा। ये इंकलाब किसने पैदा किया था? ये मदीने वाले मुस्तफा ने पैदा किया था। किसने पैदा किया था? अब मैं बहुत जल्दी अपनी बात को खत्म करने वाला हूं। ये मदीने वाले मुस्तफा ने इंकलाब पैदा किया था। अब मैं तुमसे कहना चाहता हूं, अब अगर आप रिश्ता देखने जाते हो ना, या अपनी बहन और माँ को जब रिश्ता देखने के लिए भेजते हो ना, आपकी एक बात होती है, बड़े अफसोस के साथ कह रहा हूं, आपकी एक बात होती है, अम्मा या बहन सीधी मत ले आना, सीधी देहातन मत ले आना, देहातन सुल्लड़ मत ले आना। मैंने इसमें नजरों खोज की कि देहातन सीधी सुल्लड़ का मतलब क्या होता है, तो पता ये लगा जिसके बाल दुपट्टे में ढके हो ना उसे देहातन बोला जाता है, उसे सुल्लड़ बोला जाता है, उसे सीधी बोला जाता है, और जिसकी लटे कटी हो, जिसके पर कटे हो, पर जो बालों में झटका मारे, जिसके हाथ में 1 लाख का आईफोन हो, जो फेसबुक इंस्टा ट्विटर सारे आइडिया चलाती हो, आधे आधे कपड़े पहनती हो, चेहरे पे 2-2 इंच पैंट चढ़वाती हो, वो इसको पसंद आती है, वो मॉडल है, वो इसके मुताबिक है, वो इसकी हैसियत और इसके स्टेटस की है। स्टेटस का मतलब जानते हो? स्टेटस कहती है हैसियत और मकाम को। हैसियत तुम्हारी औकात क्या? औकात यही है बेहया लड़कियों को पसंद करोगे? यही औकात है? मुझे बताइए आप, एक होता गधा, एक होता घोड़ा। गधे और घोड़े में फर्क होता है। गधे को जब भूख लगती है ना, उसे चारा चाहिए, चाहे गंदगी में हो, कहीं भी हो, वो घूर पे भी चला जाता है, उसे तो मुंह मारना है, सिर्फ उसका पेट भरना है। जो अरबी नस्ल घोड़ा होता है ना, वो गंदगी में कभी नहीं जाता है। मैं देखता हूँ पंडित नगला के कितने होशियार लोग हैं यहाँ आसपास के, मैं पॉइंट दे रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कितने समझते हैं, पढ़े लिखे नौजवान भी हैं। गधा जो होता है कहीं भी चला जाता, और जो घोड़ा होता है ना अरबी नस्ल, वो फाके रह लेता, लेकिन गंदगी में। तो शादी करने वाले, रिश्ते पसंद करने वाले लड़कों की भी 2 कैटेगरी है, एक गधा किस्म, एक घोड़ा किस्म। अब ये इंसान को खुद देखना है वो कौन सी किस्म में शामिल। प्रकटी चाहिए, आईफोन वाली चाहिए, बेहया चाहिए, जिसे न बाप की शर्म, न माँ की शर्म, न भाइयों की शर्म, जो अपने जिस्म की नुमाइश करे, मच्छरदानी वाले कपड़े पहने, वो चाहिए। क्या चाहिए अब मुझे बताओ भाई? जब जमीन का सिलेक्शन ही खराब होगा, अच्छी फसल करने के लिए अच्छी जमीन होना जरूरी है। हर जमीन में अच्छी फसल नहीं हो सकती। अगर हम यहां पर मुरादाबाद में अखरोट की फसल करना चाहें, अखरोट हो सकता है क्या? कहां जाना पड़ेगा अखरोट की फसल करने के लिए? कश्मीर में जाना पड़ेगा, कश्मीर में अखरोट होता है। एप्पल अगर सेब की फसल करना चाहें तो सेब हमारे यहां हो सकता है क्या? अगर होगा भी तो वो होगा खटुमरा, वो गट्टा सा रह जाएगा, वो पूरा बढ़ नहीं पाएगा। अगर स्पेशल कश्मीरी सेब चाहिए तो कहां जाना पड़ेगा? कश्मीर। इसलिए हमारी जमीन ये सेब की सलाहियतें नहीं रखती है, अखरोट बादाम पैदा नहीं कर सकती। तो जमीन का सिलेक्शन जरूरी है, अच्छा करो।
अगर तुमने बंजर जमीन खरीद ली तो वहां पे तो कुछ नहीं होने वाला। जमीन का सिलेक्शन अच्छा हो, आप जो जमीन का इंतखाब कर रहे हैं वो जमीन अच्छी हो। अब जमीन तो तुमने बिगड़ी हुई खरीदी है, जमीन का सिलेक्शन तुमने बिगड़ा हुआ करा बेहया, और तमन्ना यह काश कोई अल्लाह का वली घर में पैदा हो जाए, कोई नमाजी पैदा हो जाए। हजरत बच्चे बड़े नफरमाने सुनते एक नहीं है, नमाज एक नहीं पढ़ता है, जैसे ये हर वक्त मस्जिद में पढ़ा, 50 साल का हो गया, अभी जुम्मे में जाता है, जब एक रकात निकल जाती है तो बच्चे क्या खाक पढ़ेंगे, मुझे बताइए आप, आप मुझे बताएं। जो माँ पूरी पूरी रात पाकिस्तानी सीरियल देखती हो और बच्चा माँ के पेट में हो, क्या उस माँ की कोख से अल्लाह का वली पैदा होगा, बताइए मुझे। जो पूरी पूरी रात फिल्में देखती हो, रात को सोती हो तो एक स्टेटस लगा के, और सुबह को उठती हो तो फौरन स्टेटस चेंज होता हो, क्या उस माँ की कोख से कोई अल्लाह का वली पैदा हो सकता है, कोई गोश्त पैदा हो सकता है, कोई अब्दाल पैदा हो सकता है, नहीं हो सकता। उससे पबजी पैदा होगा, उससे मोटू पतलू पैदा होगा, उससे शक्तिमान जूनियर जी पैदा होगा, उससे बेहया और हीरो पैदा होंगे। इसीलिए अगर बच्चे अच्छे पैदा करना चाहते हो, अच्छी फसल चाहते हो, तो जमीन का अच्छा सिलेक्शन होना जरूरी। जुमला दे रहा हूं एक, जरा नोट कर लेना, जमीन का अच्छी जमीन का सिलेक्शन चुनाव इंतखाब होना जरूरी। अगर जमीन मेरे मुस्तफा की सबसे छोटी बेटी चहे की बेटी लखते जिगर नूरे नजर सैयदा ताहिरा जाहिदा आबिदा खातून जन्नत सैयदतुन निसा सैयदा फातिमा जहरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की शक्ल में हो, उस जमीन से जो पैदावार होती है उसे कर्बला का हुसैन कहा जाता है। इसीलिए हुसैन हर घर में पैदा नहीं होते, हुसैन के लिए फातिमा चाहिए, गौसे आजम के लिए फातिमा सानी चाहिए, नेक पैदा करने के लिए मानेक चाहिए, आबिद पैदा करने के लिए मां आबिदा चाहिए, नमाजी पैदा करने के लिए मां नमाजी चाहिए। जिस दिन तुम सैयदा फातिमा जहरा की सच्ची पक्की कमीज अपने घर में ले आए, अल्लाह तुम्हारे घरों को जन्नती गहवारा बना देगा। इसीलिए जमीन का सिलेक्शन अच्छा करो, अगर जमीन का सिलेक्शन खराब, नस्लें बर्बाद, मुआशरा बर्बाद। इसीलिए अपनी माँ बहनों से कहूंगा, अगर बच्चों को अच्छा करना चाहती हो तो सबसे पहले खुद अच्छी हो जाओ। बेटी पूरी बराबर की हो गई, अगर बेटी आधे घंटे में ब्यूटी पार्लर से निकलती है तो ये एक घंटे में निकल रही है, ये 5,000 का फेशियल करवाती है तो वो 10,000 का करवाती है, वो बाल बाद में करवाती है ये पहले करवाती है, मुझे बताओ। अरे बुजुर्ग कहते हैं बाकी गोद पहला मदरसा पहला मकतब है, अब मुझे बताओ जब स्कूल ही बिगड़ा हुआ हो उस स्कूल में पलने वाले बच्चे कैसे नहीं बिगड़ेंगे। इसीलिए मेरे माओ को चाहिए, इसीलिए मेरी माओ के लिए अहम जरूरत है, अगर तुम अपने घरों में कोई कासिम पैदा करना चाहो, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा करना चाहो, अगर कोई टीपू सुल्तान पैदा करना चाहो, अगर सच्चा पक्का मुसलमान पैदा करना चाहो, अगर कोई खालिद बिन वलीद पैदा करना चाहो, इसीलिए अपने अंदर चेंजिंग आनी पड़ेगी, अपने अंदर इंकलाब पैदा करना पड़ेगा। मैं अपनी माँ बहनों से हाथ छोड़ के गुजारिश करूंगा, अरे रातों को जागो तो पाकिस्तानी सीरियल देख के मत जागो, हिंदुस्तानी मूवीज देख कर मत जागो, जब रात को सो तो गंदा स्टेटस लगा कर मत सो, जब सुबह को उठो तो गंदा स्टेटस देख कर मत उठो। अगर तुम्हें जागना है तो रसूलुल्लाह पर दरूद शरीफ पढ़ के जागो, जिस दिन तुमने मुस्तफा पर सोने से पहले दरूद शरीफ पढ़ लिया, अरे तू सो जाएगी, तेरे ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफा तशरीफ लाएंगे। अगर तेरी कोख में कोई बच्चा पल रहा है मेरे मुस्तफा की जियारत की बरकत से, वो बच्चा जमाने का वली होता हुआ नजर आए। इसी